Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. Abhi mera bilkul ye natural face hai aur maine apne face pe kuch bhi nahi lagaya hua, just maine apne face ko wash kiya hai face wash ke sath aur dry kiya hai towel ki help se aur tissue ki help se. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करें. सो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है डार्क सर्कल्स, जो कि आजकल मुझे भी हुए हुए हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हो, लेकिन अभी ये बहुत कम हो गए हैं. एक्चुअली मेडिकेशन पे हूँ मैं, नींद भी मेरी पूरी होती है, इस वजह से मुझे ये डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं. तो इतना कोई मसला नहीं है. डार्क सर्कल्स के लिए हमें थ्री मेन स्टेप्स आर कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है. पानी जो होता है वो आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. फॉर एक्ने हो, डार्क सर्कल्स हो, पिगमेंटेशन हो, स्किन आपकी ड्राई हो, आपकी स्किन ऑयली हो, आपने पानी लाजमी पीना है, बहुत ज़्यादा पीना है. वाटर पहला पॉइंट है. सेकेंडली आपका नींद जो आपकी है, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए. 6 आवर इन 24 आवर्स और 8 आवर्स इन 24 आवर्स आपने अपनी नींद को पूरा करना है. ठीक है, थर्ड चीज़ ये है कि आपने हमेशा मेकअप रिमूव करके सोना है. ठीक है, मेकअप के साथ आप अगर सोते हो तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, हमारी आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये डार्क सर्कल्स ही हो, ये पिगमेंटेशन भी हो सकती है. ठीक है, पोर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में, आप लोगों को एक्ने भी हो सकती है, मुझे यहाँ पर जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए तीन मेन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के. या कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ भी रेमेडीज ट्राई कर लो, लेकिन जब तक आप अपनी चीज में ये पॉइंट्स नहीं लाओगे आपकी जो है वो डार्क सर्कल्स रिमूव नहीं होंगे. तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी और हो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आपका बताइए. मिलेगा सेल के अंदर, इसमें विटामिन सी है, हेलोनिक एसिड है, क्लोजन है, 24 आवर्स की हाइड्रेशन देता है अंडर आई एरिया में. ठीक है, ब्राइट करता है डार्क सर्कल्स को, प्लम्प करता है आइज को, रिमूव करता है पफिनेस. ठीक है, रिड्यूस करता है रिंकल्स. तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. इसको यूज़ करने का तरीका सब कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह इस बॉक्स के ऊपर मैंशन है. इसके बेनिफिट्स, इन्ग्रीडियंट्स, डायरेक्शन, वार्निंग सब कुछ इस पर मैंशन है. ठीक है, अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्किन. ठीक है, मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ. हमने फेस को रात को अच्छी तरह से क्लींस करके मेकअप रिमूव कर लेना है या ड्रेस रिमूव करना है. उसके बाद आपने इस तरह पैकेजिंग में ये विटामिन सी सीरम आता है, उसको आपने क्या करना है. ठीक है, ओपन करके आपने अपनी फिंगर पे ले लो एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं लगाना, जस्ट एक ड्रॉप मैं यहाँ लगाऊंगी, एक ड्रॉप मैं यहाँ लगाऊंगी. इसको डिसॉल्व करना है, आपकी स्किन के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए. ठीक है, ओवरनाइट आपने ये लगा के सोना है तो आंखों के अंदर ना जाए, उससे बचा लीजिएगा इसको. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये आपकी फिंगर टिप्स हैं, इनकी हेल्प से इसको मसाज करना है ऊपर तक. ठीक है, आप स्किन को नहीं खींच रहे, आप जस्ट इसको अच्छे से लाइट हैंडेड तक करके पेरिनेट कर लें स्किन में अच्छी तरह. स्टिकी सा हो जाएगा, लाइट स्टिकी सा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको छोड़ देना. ठीक है, अच्छी तरह आपकी आई में डिजॉल्व हो चुका है. ठीक हो गया, उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. उसके बाद आपने क्या करना है, ओवरनाइट के लिए मैं बता रही हूँ, एलोवेरा जेल लेनी है. ठीक है, उसको आपने अपनी आई के अंदर, कोई भी अगर आप फ्रेश एलोवेरा ले लो तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर आपने एलोवेरा फ्रेश नहीं आपके पास मिल रही तो जिसमें 99% या 92% एलोवेरा हो आपने वो लेना है. मेरे पास तो ये पड़ी हुई है, इसमें 99% वाटर है, लेकिन खैर कोई सी भी एलोवेरा जेल आप ले लो, आपने आईज़ के नीचे को अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है इसे
ठीक है, थोड़ी देर मसाज करना है विदाउट पुलिंग योर स्किन, स्किन को पुल नहीं करना है, ठीक है। आई के अंदर ना जाए, बस नीचे नीचे ही दोनों साइड में। आज आप मास्क आप इसको लगा के, ठीक है, इतना डिसॉल्व कर ले मसाज के साथ कि ये ज़्यादा ट्रांसफॉर्म ना हो। ठीक है, इस तरह से मसाज कर ले, ठीक है, प्रेस नहीं करना, स्किन को पुल नहीं करना। अभी मेरी आज थोड़ी सी पसंद है, सुन रही थी मेरी दिन सो रही है, ठीक है। ये आपने लगा के तो ये इतनी रिजॉल्व हो गई है कि अब ये ना लगेगी नहीं देगी, तो ये इसको देंगे ना ये ड्राई हो जाएगी और आपने इसको लगा के सो जाना है। ये है सेकंड टच एलोवेरा जेल की, ठीक है। विटामिन सी सीरम के बाद आप ऊपर एलोवेरा जेल लगाओ, लगा के सो जाओ, तो ये है सारी रात आपकी जो है ना डार्क सर्कल्स के ऊपर वर्क करेगी। उसके बाद आपने 1 मंथ तक लगातार इसको करना है, 1 मंथ के बाद रिजल्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे और 3 मंथ्स मस्ट करें। कोई भी चीज़ मैजिक नहीं होती जो एकदम से हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, रेगुलर आपने करना पड़ता है और रेगुलरली आप लोग इस चीज़ को करो। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने कभी भी ऐसे नहीं करना कि एक दिन लगा ली, दो दिन लगा ली, तीसरे दिन गैप दे दिया, नहीं। आपने बिला नागा इसको रोज़ लगाना है आंखों के नीचे। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी, वो है एक कुकम्बर मास्क। आपने करना है एक खीरा लेना है और उसको ब्लेंडर में डाल के छिलका उतार के ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। आइस क्यूब्स में उसकी क्यूब्स बना के रख लो, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। ये बेस्ट तरीका है रेडनेस ख़त्म करने का, डार्क सर्कल्स ख़त्म करने का, आइस की पफीनेस ख़त्म करने का, आइस के रिंकल्स ख़त्म करने का। बेस्ट तरीका ये है कि एक कुकम्बर को आप क्रश कर लो अच्छे से ब्लेंडर में डाल के, वो जूसी टाइप हो जाएगा, लाइक उसका स्मूथी टाइप सा टेक्सचर हो जाएगा। तो उसको आप क्यूब्स में डाल के फ्रीज कर दो, जब वो जम जाए तो चलते फिरते दिन में 2-3 बार एक क्यूब निकाली और आइस के अंडर 5 से 10 मिनट, 5 मिनट ही सिर्फ आप रब कर लो ना आइस के अंदर, ठीक है। दोनों आइस के अंदर 5-5 मिनट, आप 5 मिनट के सांस को, 5 मिनट के सांस को अब अच्छे से वो कर लो, रब कर लो, ठीक है, नीचे ऐसे कि अगर ज़्यादा ठंडा लगे तो उसको आपने हटा लेना, फिर थोड़ी देर बाद आपने रब करना है, अगर फिर ज़्यादा ठंडा लगे फिर हटा लेना, ठीक है। इस तरह से आपने आप दिन में 2-3 दफ़ा कर लो, या चलते फिरते किचन के काम करते कुछ से कुछ निकालते आप। तो भी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, वो डेली बेसिस की रेमेडीज़ हैं, रोज़ 1 मंथ तक आपने इसको फॉलो करना है। दिन में आपने वो कम्बर अपनी आइज के नीचे या पूरे फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कम्बर का एक ट्यूब निकाल के रब कर लो 5 मिनट पूरे फेस पे या अंडर आई एरिया पे, ठीक है। एलोवेरा जेल और विटामिन सी सीरम का यूज़ करो, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है स्किन पर, बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरा कलर व्हाइटिश है लेकिन ये जो ग्लो आप देख रहे हैं मेरे फेस पे, ये इन्हीं रेमेडीज़ की वजह से है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, क्योंकि वो आपकी बॉडी को क्लेंस करते हैं और सोना टाइम पर है, ठीक है। ये कुछ मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं। एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि दिन में शाम के टाइम ग्रीन टी बना लो, पी भी लो उसको, जो उसका पीछे बच जाएगा ना, कि फ्लेवर्ड ग्रीन टी मत लेना, जो ओरिजिनल ग्रीन टी होती है, टपाल की भी आ जाती है, लिप्टन वालों की भी है, आई थिंक कोई फ्लेवर ना लेना जिसमें, टपाल में तो बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं लिप्टन में जो है वो लेमन है आई थिंक, तो आप प्लेन ग्रीन टी होती है उसका ले लो। उसको पीने से भी बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है, वो आपको डिटॉक्स करती है बॉडी के अंदर से, और उसका ये बेनिफिट ये कि उसके टी फैट को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दो अच्छी तरह, उसका जो है ना टी निचोड़ के अच्छी तरह भी थोड़ी बीच में रहने देना, ठीक है। उसको फ्रीजर में रख दो 5 मिनट के लिए, जब वो हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा ना तो अपनी आइज बंद करके ऊपर इस तरह रख के, तो 2 से 5 से 10 मिनट तक सो जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक है। वो जो टी का सारा होगा ना, ग्रीन टी का इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपकी स्किन के लिए, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया ये मैंने अपनी खुद आजमाई भी
जो रेमेडीज़ हैं वो शेयर की हैं, किसी का कोई बेनिफिट, सबका बेनिफिट है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये आपने दोनों आइस पे टी पैक रख लिए हैं और सो जाना है 10 मिनट के लिए, सोने से मुराद रेस्ट करना है। अब आते हैं कि मेकअप किस तरह से आप अपनी जो है वो स्किन को नदाफ सकते हो, स्किन पिगमेंटेशन को कैसे हाइड कर सकते हो। सो मेरे पास ये 3 कंसीलर्स हैं, ये 550 का पैक आपको सेल में मिलता है 2 कंसीलर्स का। इसमें आपने देखा होगा, मैंने अपनी लाइव वीडियोस में भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया है, ये है इसका ऑरेंज करेक्टर कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका है ये वाला कंसीलर, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से है थ्रू। तो कहीं पर भी आपको डार्क सर्कल्स हैं, जैसे कि मेरी अंडर आई एरिया में थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं मुझे यहाँ वाली साइड पर, ठीक है, इधर हैं, पफीनेस भी हुई हुई है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ये इधर मुझे पिगमेंटेशन हो जाती है सम टाइम, ठीक है, इधर वाली साइड पे, ठीक है, और मुझे कहीं पर, और मुझे एक यहाँ पर आपको ये पैक सा नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, इधर है और मुझे अब इधर भी है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करना है कि मैंने इस तरह से अप्लाई कर लेना है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर मुझे पिगमेंटेशन है ना, मैंने वहाँ वहाँ उसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है, और मैंने फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करना है फाउंडेशन से पहले। सबसे पहले फेस को प्राइम कर लें, प्राइम करने के बाद आपने अपने फेस को करेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब आपका लिप का एरिया ग्रे हो जाता है या अंडर आई के नीचे से ग्रे हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि आपका फेस सही से करेक्ट नहीं हुआ होता, ठीक है। आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसको हल्का सा डैबिंग मोशन में हिला दो, ब्लेंड कर दो, ठीक है। उसी एरिया में फैलाना नहीं है ज़्यादा, उसी एरिया में आपने इसको हल्का सा डैबिंग मोशन के अंदर डैब करके इसको डिसॉल्व करना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है, ये ऑरेंज है, ठीक है, क्योंकि मैं वीटिश हूँ तो मेरे लिए ऑरेंज है। अगर मेरे से लाइट कलर की हैं आप, तो आप यूज़ करेंगे पीच करेक्टर, ठीक है, और अगर मेरे से डार्क हैं तो डार्क ऑरेंज करेक्टर। ये इतना डार्क नहीं है इसलिए मैंने इसको, अभी मैं आपको सिर्फ कंसीलर लगा के दिखाऊंगी तो कितना अच्छा इफेक्ट देगा, ये देखना, डार्क सर्कल्स नज़र नहीं आएंगे। ये फाउंडेशन में ज़ाया नहीं कर रही हूँ, मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही, लेकिन अगर आप फाउंडेशन भी अप्लाई करते हो ना, तो आप देखना कि ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करेक्टर के लिए मैंने पिंपल पे नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कंसीलर्स का ही थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल ऑरेंजनेस देखो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपने फाउंडेशन के बाद स्टेप करना है, फाउंडेशन पहले आप अप्लाई कर चुके होगे, ठीक है, तो फाउंडेशन से भी काफ़ी ज़्यादा तो इसकी और कवरेज होती। इस तरह से आप अपने फेस को हाइड कर सकते हो, लाइक फेस के पिगमेंटेशन को हाइड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पैच था वो भी गायब हो गया, यहाँ पे पैच था फेस ब्लेंड नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, वो भी गायब हो गया, ठीक है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हम पूरा फेस मेकअप कर लेंगे तो वो हमारा शो नहीं होगा, क्या शो नहीं होगा हमारा। गाइस मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि जितनी भी रेमेडीज़ और मैंने आपको सीरम का बताया है, एलोवेरा जेल का बताया है, वो आप रात के टाइम में करेंगे, और सुबह के टाइम आप ग्रीन टी वाला कर सकते हैं, ग्रीन टी वाला कर सकते हैं, और कुकुम्बर वाला कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप लोग अगर फेस प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसको धूप में मत लगा कर जाया करो, या हीट के आगे ना जाया करो, और सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई किया करो फेस पे, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, स्किन की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपने दिन के टाइम विटामिन सी सीरम लगा के बाहर जाना है तो उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगा के सीरम लगा के उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा के बाहर जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्टली सनलाइट से बचें, और बस ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को सब सही से समझ आ गया होगा. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको ज़्यादा से ज़्यादा. अगर मैंने एक और बात भी कहनी थी कि जितनी भी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो हर एज का बंदा कर सकता है, हर स्किन टोन का बंदा कर सकता है, हर स्किन टाइप का बंदा कर सकता है. विटामिन सी सीरम में हेलोलॉनिक एसिड होता है जो इस तरह का विटामिन सी सीरम है. ठीक है, यही लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बेस्ट सीरम है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके. ठीक है, इसकी पूरी सीरीज़ मिलती हैं, इसमें चार चीज़ें होती हैं के अंदर, क्रीम और दो प्रोडक्ट्स और होते हैं आई थिंक, आई सीरम, फेस सीरम, क्रीम और क्लींजर होता है. ठीक है, तो ये आपको 22 का पैक मिल जाता है जो कि काफ़ी है यार इस सीरम के लिए, बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं. और होप कि आप लोग ये ट्राई करोगे, बेस्ट चीज़ है ये लाइफ की. इसके साथ साथ होम रेमेडीज़ भी करना और आपका जो मसला है वो ये डार्क सर्कल्स का और आईज़ की पफीनेस का वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा. विद इन वन मंथ में आप जो रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाओगे. बिला नगा रोज़ करो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. ऐसा नहीं है कि हफ्ते में दो दफ़ा करना है, हफ्ते में तीन दफ़ा करना है, नहीं, रेगुलरली करना है फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको करेक्टर की समझ आ गई होगी. वो मेकअप में आप इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन हाइड कर सकते हो. ठीक है, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड व्हाट्सएप पर भी हमें ऐड करें यूट्यूब से अवेल करने के लिए. और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम भी, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें. और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.